हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाफ पावर प्रिंसिपल और एन प्लस एल रूल की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर डिफरेंट तरीके के एलिमेंट्स होते हैं और इन एलिमेंट्स का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखते हैं। और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी फिलिंग करते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग से रिलेटेड जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो है हाफ पावर प्रिंसिपल और दूसरा है एन प्लस एल रूल। तो अब हम देखते हैं कि हाफ पावर प्रिंसिपल क्या है और एन प्लस एल रूल क्या है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हाफ पावर प्रिंसिपल से। हाफ पावर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। इसका मतलब जब हम इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर फिलिंग करते हैं तो ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जब कोई एटम या आयन अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर होगा और हमें वहां पर क्या है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी होगी डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग उन ऑर्बिटल्स के अंदर करेंगे जो कि सबसे लोवेस्ट एनर्जी पर हैं, देन उससे हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स के अंदर हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। तो इस तरीके से क्या है, हाफ पावर ने हमें ये एक चार्ट दिया जिसके अकॉर्डिंग क्या है हमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी होती है डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर। और क्या ध्यान रखना है कि जो ऑर्बिटल्स होंगे की एनर्जी का जो ऑर्डर होना चाहिए वो इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए। तो आप इस चार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऊपर से लेकर नीचे जाने तक क्या होगा, जो एनर्जी है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर होगी। अब हाफ पावर ने तो इतना बता दिया कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर की जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, लेकिन किस सिक्वेंस के अंदर करनी है तो वो हमें बताता है एन प्लस एल रूल। एन प्लस एल रूल बोलता है द ऑर्डर इन विच द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्रीजेस कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ एन प्लस एल रूल। तो इस तरीके से हम एन प्लस एल रूल की हेल्प से पता कर सकते हैं कि हमें किस सिक्वेंस के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। हम बार बार बोल रहे हैं एन प्लस एल रूल, तो यहाँ पर एन और एल क्या चीज है, तो यहाँ पर जो एन और एल है वो दोनों ही क्या है, क्वांटम नंबर है। एन जो होता है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एल है उसे हम बोलते हैं एजुमिथल क्वांटम नंबर। अभी जो एजुमिथल क्वांटम नंबर के अंदर जो हमारे सबशेल्स होते हैं एस पी डी एफ, उनके एल की कुछ वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट तरीके के जो सबशेल्स हैं उनकी एल की वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो एस के लिए जो एल की वैल्यू होगी वो होगी 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। अब यहाँ पर एन प्लस एल रूल क्या बोलते हैं, एन प्लस एल की वैल्यू अगर लोअर होगी तो इसका मतलब जो ऑर्बिटल की एनर्जी है वो भी लोअर होगी। अगर दो ऑर्बिटल्स के एन प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाती है तब हम क्या करेंगे, तब हम वहां पर देखेंगे कि जिसके एन की वैल्यू छोटी है उसको हम सबसे पहले भरेंगे। तो अब ये बात हम अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरीके से हम एन प्लस एल रूल का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया है, यहाँ पर एग्जाम्पल ये है 1s 2s 2p, क्योंकि हमने देखा था कि जो जो ऑफ पावर है उसने ये चार्ट दिया था और उसने बताया था कि एनर्जी का क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए जब भी हम ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखी है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। अब यहाँ पर एन बेसिकली क्या है, एन यहाँ पर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब जो आपको ये 1 2 2 3 ये दिखाई दे रहे हैं ये है एन की वैल्यू। और L क्या है, यहाँ पर है S, S की जो L की वैल्यू होगी वो ही हमें यहाँ पर पुट करनी है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि जैसे S की जो L की वैल्यू होती है वो होती है 0, P की जो L की वैल्यू होगी वो होगी 1, D के L की वैल्यू होगी 2 और F के L की वैल्यू होगी 3। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर लिख लेना है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम N प्लस L की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि N की वैल्यू क्या है, 1, इसमें N की वैल्यू 2, इसमें 2, 3s में N की वैल्यू 3, यहाँ पर भी 3, 4 और 3। तो ये हमने यहाँ पर n की वैल्यू लिख ली है। अब हम बात करते हैं l की वैल्यू। l की वैल्यू के अंदर आपके लिए क्या देखना होगा, यहाँ पर s है, s के लिए l की वैल्यू है 0, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0। यहाँ पर भी s है तो यहाँ पर भी 0। यहाँ पर p है, p के लिए l की वैल्यू थी 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। यहाँ पर s है, फिर से 0, p है 1, फिर से s है 0। d के लिए l की वैल्यू थी 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। अब हम क्या कर देंगे, n प्लस एल यानी कि इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 0 4, 3 प्लस 2 5। तो इस तरीके से हमने क्या है n प्लस एल की वैल्यू निकाल ली है। तो ये हमने बोला था कि जितना n प्लस एल की वैल्यू कम होगी उतनी ही क्या होगी, ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो भी कम होगी। यहाँ पर हम सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन भरने वाले हैं वो भरेंगे 1s में और 2s में। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर 2p और 3s की जो n प्लस एल की वैल्यू है वो तो सेम हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा यहाँ पर दूसरा पॉइंट यूज करेंगे।
जहां पर हम बोलते हैं कि जब दो ऑर्बिटल की सेम एन प्लस एल की वैल्यू आ जाती है तो हम वो ऑर्बिटल पहले भरेंगे जिसके एन की वैल्यू कम होगी। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे कि 2p और 3s के अंदर से एन की वैल्यू किसकी कम है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 2p है उसके एन की वैल्यू 2 है और 3s के एन की वैल्यू 3 है। तो इन दोनों के अंदर सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल भरा जाएगा, वो भरा जाएगा 2p, क्योंकि इसके अंदर जो एन की वैल्यू है वो लोअर है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 2p भरेंगे, देन उसके बाद में 3s, और सेम कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे 3p और 4s की कंडीशन के अंदर। यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो 3p की कम है, इसलिए हम सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो 3p के अंदर भरेंगे। तो ये था हमारा n प्लस एल रूल। अब इस n प्लस एल रूल और आफ्पाव रूल को मिलाकर जो सिक्वेंस बनेगा वो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये हमारा पर्टिकुलर सिक्वेंस जिसके अकॉर्डिंग हमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी होती है हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन के अंदर। अब आपको ये सीरीज काफी लंबी लग रही होगी याद करने के लिए, तो इसे याद करने के लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है, और उस शॉर्ट ट्रिक की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है जिसका लिंक मैं आपको आई बटन पर दे दूंगी। आप इस वीडियो के बाद में एक बार वो वीडियो भी देख लेना, जिससे कि आपको आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।